एंड देयर स्टूडेंट्स। इंडीड ये हमारे लिए बहुत खुशी के मोमेंट्स हैं क्योंकि आने वाला फ्यूचर हमारी आंखों के सामने है। एक बार एक क्लास में ना मास्टर ने बच्चों से कहा कि बच्चों आज आप घर जाना और कल जन्नत की मिट्टी थोड़ी सी लेके आ जाना। तो दूसरे दिन बच्चे सारे खाली हाथ आ गए और एक बच्चे के हाथ में थोड़ी सी मिट्टी थी। तो मास्टर ने पूछा ये मिट्टी तुम कहाँ से लाए? तो बच्चे ने जवाब दिया कि मास्टर जी ये मिट्टी मैंने माँ के पाँव के नीचे से लेके आया हूँ और मुझे मालूम है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है, तो इसलिए ये मैं मिट्टी आपके पास लेके आया हूँ। अगर आप सच्चाई के रास्ते में ना ध्यान दीजिएगा, सच्चाई के रास्ते में अगर आप अकेले हो जाते हो तो घबराना नहीं, क्योंकि अकेला सूरज ही पूरी अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। आप उस शेर की तरह जीना है जो शेर ना तो डरता है ना घबराता है, अपनी मंजिल पे अपनी आंखें रखता है और आखिरकार अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। चूहे और गिदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बहुत बेहतर है। सर बोल रहे थे तो मैं आपकी आंखों में कुछ देख रहा था और भगवान की कसम मुझे तुम्हारी आंखों में एक चीज़ दिखी, वो चमक देखी, वो आंखों में एक जलन और आपके दिमाग में वो एक जज्बा देखा। जब हम सांप दिखा रहे थे, मैम आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटी बैठ रहे थे, तो हिमालय की चोटी पे जमी हुई बर्फ, कैस्पियन सी की गहराई, अफ्रीका के जंगल क्यों ना रास्ते में आ जाए, तब भी आप अपनी मंजिल को पा सकते हो। बस सिर्फ आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। आप जानते हो कि कि जब कोई चिड़िया आके किसी टहनी पे बैठती है ना, वो कभी भी उस टहनी की मजबूती को नहीं देखती कि ये टहनी कमज़ोर है या मजबूत है, क्योंकि उसको उस टहनी पे भरोसा नहीं, उसको अपने विंग्स पे, अपने पंख पे भरोसा होता है। आपको भी अपने आप पर भरोसा रखकर आपको दूर की नज़र रखनी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको और आपकी मंजिल के बीच में रुक कर रोक नहीं सकती है, क्योंकि आपका इतना ज़बरदस्त मुसम्मम इरादा होगा और इतना कॉन्फिडेंस होगा। आप जानते हो अगर 8 साल का वो बच्चा जो चाहता था कि मैं बड़ा कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन उसकी उस मंजिल के बीच में उसकी गरीबी आ रही थी, तो कहा कि नहीं नहीं मैं गरीब ज़रूर हूँ बट मेरे में हिम्मत ज़रूर है, और फिर अखबार बेचकर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन गया, हिंदुस्तान का सदर बन गया, जिसको आप APJ कलाम कहते हैं, एक कमरे में रहने वाला, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जिसने 111 मिसाइल डेवलप कर दिए, डॉक्टर DK Sivan जो इसरो का चीफ बन गया। लोग मोहल्ले वालों ने देखा कि एक बच्चा बहुत गरीब है जिसके पास पैसे नहीं है कि वो अपनी वर्दी खरीद सके, उन्होंने चंदा किया, कलेक्शन दी और उस बच्चे को मोटिवेट किया कि नहीं